अब कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में भी हो रहा है, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये कोरोना वायरस एक समूह है वायरस का, और ये डायमंड जैसा है और उसको स्पाइक्स रहते हैं, इसलिए उसको कोरोना बोलते हैं। सबसे पहले 1960s में, 1960 में पाया गया। काफी सारे उसमें अलग 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 उसमें टाइप्स है, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अभी जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप हुआ है वो है नोएल कोरोना वायरस 2019। ये सबसे पहले चीन के वुहान शहर के मीट मार्केट में, मच्छी बाजार में, मांस बाजार में पाया गया था। ये कोरोना वायरस जानवरों से इंसान तक जाता है, जो ट्रांसमिशन जो होता है वो जानवरों से इंसान तक आता है, और उसके जो प्रमुख लक्षण है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये इंसान से इंसान तक भी जा रहा है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन भी जा रहा है, मैन टू मैन, वुमन टू वन, मैन टू मैन, ऐसा भी जा रहा है। इसमें प्रमुख लक्षण क्या है? इसमें प्रमुख लक्षण है कि सर दर्द होना, नाक बहना, सीक आना, गले में खराश, सर्दी, जुकाम, खांसी और थकान आना, ये इसके काफी लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार भी आता है, इसमें पूरे बदन में दर्द होता है और फेफड़ों में सूजन आती है। ये कोरोना वायरस हवा से फैलता है, और इसके बचने के लिए मास्क का वापर करना और हाथ सैनिटाइज करना, एंटीसेप्टिक लोशन जो है उससे हाथ साफ करना, तो उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, संक्रमण होना उससे बच सकते हैं। इसमें क्या मर सकता है आदमी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान जिसको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, हर इंसान नहीं मरेगा, मतलब जानलेवा नहीं है वैसा देखा जाए तो। जान किसकी जा सकती है? जिसकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोध करने की उसकी जो स्पीड है या उसकी जो ताकत है कोई किसकी, वो यदि कम है, तो लाइक बच्चे है या प्राउड नागरिक है या पहले से कोई बीमारी उसको चालू है, तो ये उसमें जानलेवा हो सकता है। इसे कैसे बचना चाहिए? एक तो हाथ साफ रखना चाहिए, सैनिटाइज योर हैंड्स एंटीसेप्टिक लोशन से, फिर उसका मास्क पहनना है, और कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स जल्दी से जल्दी चालू करना है। सीखते जब है तब मास्क लगाना है और सीखना है, ताकि वो फैलेगा नहीं। अभी इसमें अभी तक इससे साइंटिस्ट देख रहे हैं कि क्या हम दवाई उससे ला सकते हैं कोई, तो अभी तक कोई दवाई आज तक निकली नहीं है। साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस को प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए दवा अभी भी खोजना चालू है। अभी तक 100% क्योर करने वाली दवा है नहीं, तो इससे बचना ही अभी हमारे लिए संभव है, और अपने आप को फिट रखना, तंदुरुस्त रखना, ताकि हम कोरोना वायरस से बचे। अभी तक, आज तक मतलब, भारत में 5 रुग्ण कोरोना वायरस के दिखाई दिए हैं। अब भारत में भी इसका यदि प्रकोप होता है तो फिर बहुत बड़ा मतलब असर हमारे इकोनॉमी के ऊपर हो जाएगा, लोगों के हालत के ऊपर हो जाएगा, और बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अपने आप को प्रिवेंशन करना अपने आप का, यही सबसे बड़ी ट्रीटमेंट आज है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।